हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। दिस वीडियो इज बेसिकली बीइंग मेड फॉर अनदर हस्त मुद्रा। दिस हस्त मुद्रा इज कॉल्ड द प्राण मुद्रा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर प्राणों का संचार होता है। तो आप जानते हैं कि प्राणों का संचार हमारे पूरे बॉडी और माइंड के लिए कितना ज़रूरी होता है, और जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम लोग जिंदा हैं। तो प्राण इज नथिंग बट द यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी दैट वी आर इनहेलिंग व्हाइल वी आर ब्रीदिंग इन। और इन प्राणों का संचार अगर प्रॉपरली ना हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्राण हमारे शरीर के एक एक सेल में ना पहुंचे तो कहीं ना कहीं दी हेल्थ पार्ट इज इफेक्टेड, कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ जो है इफेक्ट होती है। एंड सच बात यह है कि हम लोग सही मानों में सांस ढंग से लेते ही नहीं है, इसलिए प्राणों का संचार उस तरीके से होता भी नहीं है। इसलिए जो प्राणायाम की विधियां हैं, मतलब जो आपका कपालभाति है और फिर आपका लोम अनुलोम है, या बाकी जो भी ब्रीदिंग की डीप ब्रीदिंग की टेक्निक्स हैं, वो सारी इसलिए हैं कि हम लोग अपने आप को हाइपर ऑक्सीजनेट कर सकें और प्राणों का संचार ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर हो सके। ये तो चलो रही प्राणायाम की बात, क्योंकि हम बात हस्त मुद्रा की कर रहे हैं। तो हस्त मुद्राओं में जैसे मैंने पहले मृत संजीवनी मुद्रा के बारे में बात किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रा फॉर हार्ट। ये मुद्रा जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, जब मैं बताने जा रहा हूं आपको, इस मुद्रा को प्राण मुद्रा कहते हैं। फ्रेंड्स, ये प्राण मुद्रा का जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये प्राण मुद्रा जो है, ये हमारे अंदर अगर हम इस प्राण मुद्रा को करते हैं, हस्त मुद्रा को करते हैं, तो हमारे अंदर प्राणों का संचार होता है। That means, जो प्राणा मूवमेंट है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि विच गोज अल्टीमेटली गोज टू अवर सेल्स, दैट गेट्स बैलेंस्ड। मतलब जो ऑप्टिमल एक प्राण हमारे अंदर संचार होना चाहिए वो हमारे अंदर होता है। तो चलिए, पहले इससे पहले कि मैं इसके फायदे गिनाऊँ आपको, पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि ये प्राण मुद्रा की कैसे जाती है। जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि हमारे पांचों उंगलियों में हमारे पांचों तत्व हैं। द फाइव एलिमेंट्स फ्रॉम विच वी आर मेड, दे आर बेसिकली कंटेन्ड इन दिस हैंड। मैं एक बार फिर थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए, रिफ्रेश करने के लिए आपको बता देता हूँ। थंब बेसिकली रिप्रेजेंट्स अग्नि, फायर एलिमेंट। फर्स्ट फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इट रिप्रेजेंट्स एयर एलिमेंट और वायु तत्व। मिडिल फिंगर, इट डिनोट्स द आकाश एलिमेंट, स्काई एलिमेंट। रिंग फिंगर, ये रिप्रेजेंट करती अर्थ एलिमेंट को, पृथ्वी तत्व को। और लास्टली जो है, जो लिटिल फिंगर है, इट शोज, इट डिनोट्स जल, यानी कि वाटर एलिमेंट। तो पांचों ऐसे इस हार्थ में भी वही सेम चीज है। तो अगर इफ वी मैनुपलेट दी फिंगर्स इन सच ए वे that particular the pranas are controlled or the elements are controlled, then we are able to control the flow of pranas also. तो प्राण मुद्रा में हम लोग क्या करते हैं, just ध्यान से देखिए, please see my hand actually. Thumb को हम क्या करेंगे, last के two finger, that means middle, this ring finger and little finger, इनसे हम इसको touch करेंगे। We'll just softly touch, just see. We are softly touching these two fingers, thumb and ring finger and little finger. Or these two fingers will keep straight. So this becomes the pran mudra. ये pran mudra है। ऐसे ही इस हाथ से भी वैसे ही है। इसमें भी हम last की two fingers को softly touch करेंगे and then keep other two fingers straight. इन दोनों fingers को ऐसे रखेंगे, keep it on your knees. अपनी knees के ऊपर रखिए. With your back straight and head and shoulders relaxed. और इस मुद्रा में आप 15 से 20 मिनट बैठ सकते हैं
और बेहतर ये रहता है कि क्योंकि ये प्राणों की बात हो रही है, प्राणों की मूवमेंट की बात हो रही है, प्राणों का संचार जो है एक एक सेल में होने की बात हो रही है, तो दिस मस्ट बी डन, जितना भी इसको करें उतना अच्छा है। बट फिर भी मैं सुजेस्ट करूंगा कि 30 to 40 मिनट्स इसको जरूर करें, और अगर आप एट ए स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं तो यू कैन डू इट फॉर 15 to 20 मिनट्स ईच, यानी 15-20 मिनट एक बार कर लिए, 15-20 मिनट एक बार किए। प्रेफरेबल टाइम हमेशा मॉर्निंग में ही रहता है, बट मॉर्निंग में भी आप कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं। दूसरा, वैसे सपोज करिए आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप चेयर्स के ऊपर बैठे हुए टीवी देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तब भी इसको कर लेंगे, बट इसकी कंडीशन ये है कि आप बैक को स्ट्रेट रखें और शोल्डर्स एंड हेड शुड बी रिलैक्स्ड। तो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, आपका सिद्धासन में बैठ सकते हैं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पलटी मार के बैठ सकते हैं, या फिर पद्मासन में या वज्रासन में बैठ सकते हैं, जैसा जैसी आपकी इच्छा हो। तो चलिए, ये मुद्रा ऐसे की जाती है, और इसको आप बैठ के आराम से इसमें नॉर्मली कुछ ब्रीदिंग भी आप कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, लो लो मनलोम तो नहीं कर सकते, लेकिन डीप ब्रीदिंग हाँ जरूर कर सकते हैं इस मुद्रा में रहते हुए, बैक स्ट्रेट और हेड एंड शोल्डर्स रिलैक्स्ड। इस मुद्रा को 15-20 मिनट करिए, या फिर एट ए स्ट्रेच आप 30 to 40 मिनट्स भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ दिस इज डन। अब मैं इसके फायदे बताता हूँ कि ये करता क्या है। बेसिकली ये जो प्राण मुद्रा है, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल मुद्रा, पावर। मैं दो मुद्राओं को बहुत ही पावरफुल मानता हूँ, एक मृत्युंजय मुद्रा और एक प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा का जैसे ही आप 15-20 मिनट करते हैं, आपके अंदर प्राणों का संचार होते ही आपके अंदर लिथार्जी, लेजीनेस, या कुछ ना करने की जो इच्छा है, वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं, एंड यू बिकम वेरी एनर्जेटिक विद लॉट ऑफ रेजुविनेशन, लॉट ऑफ एनर्जी, एंड यू कैन जस्ट डू वंडर्स। तो सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि इमीडिएटली आपके अंदर ये प्राणों का संचार करता है, और आपके अंदर एनर्जी, रेजुविनेशन, और आपके अंदर जो है काम करने की इच्छा, लेजीनेस आपका खत्म कर देता है, काम करने की इच्छा होती है, दौड़ने की इच्छा करती है, चलने की इच्छा होती है, तो यू कैन डू वंडर्स एक्चुअली बाई डूइंग दिस एक्सरसाइज। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि जैसे ही आप प्राणों का संचार करते हैं आपके अंदर, क्योंकि ऑल सेल्स स्टार्ट फंक्शनिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं ये, और ऑल विटामिन्स, सारे विटामिन जो हैं जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। विटामिन ए हुआ, के हुआ, बी हुआ, फिर आपका ई हुआ, के हुआ, ऑल दीज विटामिन्स गेट स्टार्ट गेटिंग जनरेट। तो अगर आपके अंदर ऑटो जनरेशन ऑफ द विटामिन जनरेट करना आपके अंदर, तो इस प्राण मुद्रा को जरूर करना चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा इसका है वो ये है कि दिस कीप्स योर आइज वेरी वेरी हेल्दी। अगर आपको अपना चश्मा उतारना है तो इस मुद्रा को जरूर करिए। जिन लोग की आई साइट वीक है, चाहे वो दूर की है, पास की है, कुछ भी, किसी भी एज में आप हैं, अगर आप इस मुद्रा को करते हैं तो आपकी आई साइट विल बी वेरी परफेक्ट, बहुत अच्छी आई साइट आपकी हो जाएगी। तीसरी जो चीज है वो ये है कि तीसरी चौथी चीज जो है वो ये है, अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मतलब जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में दर्द रहता है या जकड़न रहती है, तो ये मुद्रा उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि दिस इज ए पैनेशिया फॉर एवरीथिंग, यानी कि इट्स ए क्योर फॉर एवरीथिंग। आपके शरीर में कोई भी समस्या है, किसी तरह की भी डिजीज है, ये उसमें हेल्प करता है। आपको गाउट है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, ये हेल्प करेगा उसमें जो है आपकी उसमें काम करने में। और खास तौर पे उस तरह के लोग जिनमें डेबिलिटी की प्रॉब्लम है, मतलब उनमें शक्तिहीनता है, शक्ति नहीं है कुछ करने की, शक्तिहीनता में, दुर्बलता में ये बहुत काम करता है, इट वर्क्स अ लॉट इन दैट ऑल्सो। और इस मुद्रा को करने के अनलिमिटेड फायदे हैं जैसा मैंने बताया आपको, और इस मुद्रा को करते ही दो मुद्राएं, जैसे आपकी एक हृदय मुद्रा और एक ये प्राण मुद्रा, जैसे आप करते हैं तो आपके चेहरे पे नूर
टपकने लगता है, क्योंकि जब प्राणों का संचार होगा आपके शरीर में, ऑक्सीजन जाएगी आपके शरीर में, प्राण आ जाएंगे, तो सेल्स विल गेट रेजुमिनेटेड। तो एक होती है जैसे हैप्पी बॉडी, आपकी एक खूबसूरत बॉडी और एक खुशनुमा बॉडी आपकी इसमें क्रिएट होती है, और वो नूर जो है आपके चेहरे पे, जो खूबसूरती है, जो आपकी हैंडसमनेस है, जो ब्यूटी है, वो आपके चेहरे पे दिखती है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए यही स्टॉप करता हूँ, फिर भी मैं इसको समराइज कर देता हूँ। दिस इज अ प्राण मुद्रा, ये हमेशा लास्ट की टू फिंगर्स को अंगूठे से टच करते हुए की जाती है। कीपिंग योर दिस इन दिस मुद्रा ऑन योर नीज, डू इट फॉर 15 to 20 मिनट। इसी मुद्रा में बैठे रहें और डीप ब्रीदिंग करते रहें, जैसे मैं 2 मिनट करके दिखाता हूँ, 1-2 मिनट। जैसे आप बैठे हुए, चेहरे पे स्माइल रखिए, और आपकी मर्जी, आंखें बंद करनी है या आंखें, और शोल्डर थोड़ा बैक, चेस्ट फॉरवर्ड शोल्डर बैक, ये तरीका होता है बैठने का। जब भी आप बैठे, चाहे चेयर पे चाहे किसी आसन में बैठे, तो योर शोल्डर शुड बी स्लाइटली ऑन द बैक साइड, मीन्स इट शुड बी लाइक दिस, एंड चेस्ट शुड बी स्लाइटली अप फॉरवर्ड, एंड योर हेड शुड बी हाई बट रिलैक्स्ड। तो इस तरीके से आपको बैठना है, इस मुद्रा में बैठना है, और आप इसके साथ आपकी मर्जी है डीप ब्रीदिंग करें या ना करें, लेकिन आप डीप ब्रीदिंग करें तो अच्छा है। कोई भी एक नॉर्मल सांस लेते रहिए या थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर सकते। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। आंखें बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको, ये तो मैंने 1-2 मिनट ही किया, लेकिन आप इसको 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, और ये बहुत फायदा देगा आपको जो है, और कहीं भी बैठ के आप इसको कर सकते हैं। इसमें एक और वेरिएशन है कि अगर आप नॉर्मली वॉकिंग के शौकीन हैं, तो आप मोबाइल वगैरह ना कैरी करें, बल्कि आप इस मुद्रा में चलें। अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो वैसे ही आपकी प्राण शक्ति बढ़ रही है, और इसको करने से वो मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इट विल मल्टीप्लाई मैनी फोल्ड। दैट मीन्स इफ यू आर वॉकिंग विद इन दिस मुद्रा, इन प्राण मुद्रा, सो दिस प्राणा मूवमेंट विल बी एक्सेंचुएटेड, इट विल बी इंक्रीज मैनी फोल्ड, एंड यू नो ऑल द बेनिफिट्स दैट आई हैव टोल्ड दे विल एक्रू टू यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड कीप ऑन वॉचिंग माई फ्यूचर वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू सो मच, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेता आऊंगा, लाता रहूंगा, और आपकी कृपा उसको देखते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।